गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास सेवेंथ हिंदी मीडियम सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 5 चल रहा है आपका एमएस एक्सेल। आप जब भी कोई वीडियो देखें मोबाइल से आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर हो, जिससे आंखों को नुकसान ना पहुंचे। जब भी आपका वर्क पूरा हो जाए, वह वर्क आपको विद्यालय में भेजना है चेकिंग के लिए। इसके लिए आपको नहीं आना है, आप गार्जियन की हेल्प से विद्यालय में कॉपी भेज सकते हैं। देखिए हमारे चैप्टर चल रहा है एमएस एक्सेल। जैसे कि आपको पता है एमएस एक्सेल विंडोज पर आधारित एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसमें स्प्रेडशीट तैयार करके डाटा को सारणीबद्ध किया जाता है। सारणीबद्ध क्या होता है, आप उसको अरेंज कर सकते हैं सारणी में। सारणी होती है आपकी टेबल्स। बात करते हैं संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, स्क्रोल बार क्या होता है। देखिए जब भी आप अपने डाटा को अरेंज करते हैं सारणी में, स्प्रेडशीट में अरेंज करते हैं डाटा को, तो आप जो आपकी शीट पूरी हो जाती है तो उस शीट को आप स्क्रॉल बार की सहायता से शीट को लेफ्ट राइट अप डाउन किसका जा सकता है, यानी माउस की सहायता से या कीबोर्ड की सहायता से भी। कीबोर्ड में कौन सी होती है, जो एरो कीज होती है, उनकी सहायता से भी आप अपनी जो शीट है उसको आप खिसका सकते हैं लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। इसीलिए इसको वर्टिकल बार तथा ओरिजिनल बार कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका टाइटल बार। देखिए टाइटल बार क्या होता है, आपका कोई सा भी प्रोग्राम हो, चाहे आपका एमएस वर्ड हो, पेंट हो, पावर पॉइंट हो, एमएस एक्सेल हो, आपका कोई भी प्रोग्राम हो, सबसे ऊपर की जो बार होता है, यानी सबसे ऊपर की जो बार होती है, पट्टी होती है, वो होती है आपकी टाइटल बार। यह शो करती है कि हम किस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। और जब आप फाइल का नाम सेव करती है तो वह वहाँ भी टाइटल बार में ही शो करती है। जैसे आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है कंप्यूटर, तो टाइटल क्या है आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर क्लासेस सेवन हिंदी मीडियम चैप्टर है आपका नंबर 5। तो ये क्या हुआ, टाइटल हुआ आपका। जैसे आपकी किताबों के नाम हुए तो वो भी एक तरह का क्या हुआ आपका, टाइटल हुआ। जो अभी से सबसे ऊपर होता है हेडर, ये हमेशा हेडर में शो होगा। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड टूल बार। देखिए जब भी आप किसी कार्य को, एक तो कार्य होता है कि आप फाइल मेन्यू की सहायता से किसी काम को कर सकते हैं। जो आपकी मेन्यू बार है, मेन्यू बार में दो मेन्यू होती है, उसमें होता है फाइल। आप फाइल की सहायता से किसी काम को कर सकते हैं, या फिर एमएस एक्सेल हमें सुविधा देता है स्टैंडर्ड टूल बार की। इसमें होता है क्या है, इसमें एरो द्वारा क्लिक करके, यानी माउस की सहायता से क्लिक करके कार्य को पूरा किया जाता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं शॉर्टकट है ये, क्या है आपका शॉर्टकट है, लघु विधि है। जैसे आप किसी प्रोग्राम, जैसे न्यू करना, ओपन करना, सेट करना, प्रिंट करना, सेव करना, कट करना, कॉपी करना, ये सब आप मेन्यू बार की सहायता से भी कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड टूल बार हमें सुविधा देता है कि ये सब काम आप लघु विधि से कर सके। ये वर्क आपको उतारना है, साथ साथ याद भी करना, विद्यालय में कॉपी भेजनी है गार्जियन के थ्रू। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।